हमारे क्षेत्र के सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के लिए कल्याण विभाग प्रतिवर्ष विद्यालय प्रशासन के खाते में कुछ पैसे भेजते हैं ताकि वे उन गरीब विद्यार्थियों के बीच वितरित कर दे और दस्तावेजीकरण के लिए उनसे हस्ताक्षर ले ले। पर हमारे देवघर जिला के मधुपुर प्रखंड अंतर्गत महुआ डबर मध्य विद्यालय के प्राध्यापक द्वारा सत्र 9-10 में करीब 150 बच्चों से दस्तखत लेकर उनके बीच पैसा वितरित नहीं किया गया। हम लोग का यह समस्या है कि हम लोग 2009 से 2010 तक पढ़े मध्य विद्यालय महुआ डबर में। हम लोग का टीचर लोग हम लोग से साइन करा करके हम लोग का पैसा अभी तक दिए नहीं। आप लोग को स्थापन नहीं मिला, इस वजह से आप लोग को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? हम लोग का समस्या सामना करना पड़ा है जो कि हम लोग की कर्जा करके अपना किताब उताब खरीदा पढ़े। मैंने सच्चाई स्थिति को जानने के लिए वहां के प्राध्यापक से बात की तो उन्होंने बताया कि उस दौरान का दस्तावेज ही मिसिंग। पूर्व के प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा बांटी गई थी छात्रवृत्ति, उस समय में छात्रवृत्ति की सूची मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मूल कॉपी ही जो है सो जमा कर दिया गया है कार्यालय में। क्या आप इस संबंध में पूर्व प्रधानाध्यापक से बात किए? संपर्क किए, वो क्या उनका कहना है कि वो जमा कर दिया गया है, वहाँ हम नहीं रख पाए। वहाँ कहाँ जमा किया गया है? ब्लॉक में। मैंने इस मामले को वहां के अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष रखा। उन्होंने घटना से अवगत होने के बाद विद्यालय का निरीक्षण करते हुए वहां के प्राध्यापक को 5 दिनों के अंदर दस्तावेज समर्पित करने का अल्टीमेटम दिया। मुझे एक कॉपी चाहिए 9 तारीख तक, सोमवार तक, बहुत टाइम दे रहा हूँ, 4 दिन। अगर 9 तक नहीं मिलेगा तो एक पेपर है, हमको सिर्फ हस्ताक्षर करना है, डीसी से परमिशन लेने की जरूरत है, बस वो ले लेंगे सीधा जाता है। पर उक्त प्राध्यापक ने मुझे ना ही अब तक उस विद्यालय का दस्तावेज समर्पित किया है और ना ही उक्त विद्यार्थियों के बीच पैसा वितरित किया है। सत्र 10-11 में भी कुछ ऐसा ही देखा गया, दस्तावेजीकरण के अनुसार कुछ बच्चों के बीच पैसा दे है पर वास्तव में नहीं। काम कर रहा था तो जबरदस्ती सर उठा के ले गए, बोले धमका चमका के दस्तखत करा लिए, हमसे बोले कि हाँ पैसा आपको मिल गया है, आप पैसा उठा लिया भूल से, तुम यहाँ दस्तखत करो, हम पैसा हाँ नहीं उठाए, और उस तरह झूठ करके हमको दस्तखत करा लिया। मैंने इस मामले को फिर से प्रखंड विकास पदाधिकारी और उपायुक्त के समक्ष रखा है। अब देखने की बात है इस मामले में उप पदाधिकारी कोई सकारात्मक पहल उठाते हैं या नहीं। मैं मुकेश रजक, झारखंड के देवघर जिला का इंडिया अलर्ट के लिए।